Would you like to get 100% marks in your examinations? For this purpose, you have to visit my following educational platforms. Among them, one is the YouTube channel Unique Style of Teaching. You are requested to subscribe my channel, like my videos, give me comment on my channel and on my video. Also sharing my videos with your friends and class fellows. The other one is a Facebook page. You are requested to like my this page. And the third one is the Facebook group. Join my this group. Now watch the video. ओ लेवल मैथमेटिक्स में बेरिंग पे क्वेश्चन नंबर 18 का अपलोड इन प्रोसेस है. ए बी एंड सी और थ्री towers C is equidistant from A and B. The bearing of C from A is 132 degree and BAC यानी कि A पे एंगल है that is 75 degree. Find A part, the acute angle, इसमें दो पार्ट हैं, सब पार्ट हैं A का, acute angle ACB, A का second सब पार्ट, the reflex angle ACB, then B part, the bearing of A from C and C part, the bearing of A from B. ये वो डाटा था जो क्वेश्चंस के अंदर दिया हुआ है.
अभी आपको मैं इसका शेप ड्रा करता हूं। ये नोट्स जो है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तीनों नोट्स उसने खुद से प्रोवाइड की हैं। अगर इन केस नोट्स ना हो तो आप इसमें बना सकते हैं, कोई इसमें परेशानी वाला बात नहीं है। इन दो लाइंस के बारे में उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ये आपस में बराबर है। अब मैं इसका मार्किंग करता हूँ, ये ए है, ये आपके पास बी है और ये आपके पास है सी। ए पे उसने एंगल दिया है विच इज 75 डिग्री, और ये उसने बेरिंग में दिया था आपको ए टू सी का विच इज 132 डिग्री। ये वो डेटा था जो क्वेश्चंस के अंदर उसने प्रोवाइड किया हुआ है। अभी रिमेनिंग चीज़ें जो हैं वो आप खुद से ले सकते हैं। सबसे पहले उसने कहा है कि पार्ट ए के अंदर द अक्यूट एंगल ए सी बी इस एंगल के बारे में बात कर रहा है। इस एंगल अक्यूट एंगल 90 से छोटा होता है। ए से सी पे जाएंगे देन बी के ऊपर आएंगे। अब आप देखें इस वाली जो साइड है इसका एंगल होगा ये, और जो इस ये वाली जो साइड है दिस वन इसका एंगल ये होगा। इट मीन के अगर ये एंगल हमारे पास, मैं इसको लेट से कहता हूँ एक्स, तो ये वाला जो एंगल है 75 है तो ये 75 डिग्री होगा, और इसको मैं मार्किंग करूंगा इसका एक्स का। तो पार्ट ए में सब पार्ट ए के लिए हमारे पास वर्किंग होगा एक्स प्लस 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एक्स इज इक्वल टू आप 180 से अगर आप 75 और 75 को माइनस कर देंगे तो आपको एंगल मिल जाएगा ये 180 माइनस 30 करेंगे 150 करेंगे। अब एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये आपके पास एंगल आ गया 30 डिग्री एंगल, ये अक्यूट एंगल आपके पास आ गया 30 डिग्री। अभी वो कह रहा है कि मुझे रिफ्लेक्स एंगल बता दें। रिफ्लेक्स एंगल के लिए अब ये देखें, ये वाला जो इसको मैं मार्किंग करता हूँ, ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल होगा। जो रेड वाला पोर्शन है ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये हमारे पास है 30 डिग्री, और हमें ये वाला ग्रीन वाला पोर्शन चाहिए। तो ग्रीन वाले पोर्शन के लिए आप वर्किंग करेंगे 360 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू पार्ट टू के लिए सब पार्ट टू के लिए 330 डिग्री विल बी द रिफ्लेक्स एंगल। पार्ट सी है द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, बी से आपने चलना है और ए तक आना है।
यहां से आप चलेंगे और ए तक आके रुक जाएंगे। अब आप देखेंगे अगर ये वाला जो एंगल है ए पे एंगल जो कि नहीं है, लेकिन 360 से मैं 132 और 75 अगर माइनस कर लूँ तो ये मुझे एंगल मिल जाएगा। पहले मैं एंगल ये निकालता हूँ, 360 से माइनस किया 132 और उसमें से माइनस किया आपने 75, तो 153 आपको ये एंगल मिलेगा। अब आप देखें ये एंगल, ये दो, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, नॉर्थ आपको मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। 180 से 153 को माइनस कर लेंगे तो आपको यहाँ पे एंगल मिल जाएगा जो कि 27 डिग्री आ रहा है। अभी आपने जो कि बेयरिंग में 3 डिजिट में आंसर देना होता है तो सिंपली आप पार्ट, ये पार्ट पहले बी में गया था जी, बी दो पार्ट थे, द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, चलें ये मैंने पार्ट आपको ए फ्रॉम बी किया है, ये मैं यहाँ यहाँ कर देता हूँ, इसके पार्ट सी है बेसिकली, बी का मैं सोल्यूशन आपको भी देता हूँ। ये 27 डिग्री विल बी द बेयरिंग। अभी आप बी पार्ट देख लें, बी पार्ट मैंने मिस कर दिया था शायद, इट इज़ बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, आपने सी से चलना है ए तक आना है, आपके पास सी से चलेंगे ए तक आएंगे। अभी ये आपके पास सी है, यहाँ से चलते चलते आप ऐसा करें कि इस लाइन तक आना है आपने, ए का रिप्रेजेंटेटिव लाइन है ये, मैं इसको मार्क कर देता हूँ रेड ताकि आपको एंगल के पहचानने में आसानी हो। अगर यहाँ भी हमें ये वाला एंगल मिल जाए, ये वाला एंगल जिस वन, देखो ये भी नॉर्थ है, आपके पास ये भी नॉर्थ है, 132 से अगर आप 180 से माइनस कर देंगे 132 को तो ये आपको एंगल मिल जाएगा, ये 48 डिग्री है, इसको मैं लिखता हूँ 48 डिग्री। अब देखें कंप्लीट रोटेशन हमारे पास 360 होता है, 360 अगर आप 48 माइनस कर देंगे तो आपको डिजायर्ड बेयरिंग मिल जाएगा। इज द डिजायर्ड बेयरिंग फॉर पार्ट बी। इसके साथ ही इस क्वेश्चन का कंप्लीशन होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे ऑनलाइन टीचिंग सर्विसेज की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे, मेरा सेल नंबर नोट कर लीजिए, मेरे सेल नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इट इज 0321 5838264। अदरवाइज मैंने कोशिश की है कि ईच एंड एवरी स्टेप को अच्छी तरह क्लैरिफाई करके आप लोगों के लिए पेश कर दूं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई मसला हो तो आप मेरे चैनल में कमेंट करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपके मैं क्यूरी का सलूशन दे सकूं। थैंक यू वेरी मच।